सभी का भारत न्यूज में मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं अच्छी खबरों पर। खबर है विजयदशमी पर्व पर भारतीय थलसेना जुड़ी है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर उत्तराखंड में चमोली के औली सैन्य स्टेशन में शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली के औली सैन्य स्टेशन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में हथियारों के साथ अनुष्ठान किया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी पर उत्तराखंड के चमोली में औली सैन्य स्टेशन में सेना के जवानों के साथ बातचीत भी की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शस्त्र पूजा या हथियारों की पूजा की जाती है। उन्होंने ये भी कहा, हमें विश्वास है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है। हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश का गौरव है। खबर है कश्मीर में आतंकियों द्वारा क्षेत्र में उपद्रव मचाने की तो यहाँ पर नापाक कोशिश जुड़ी हुई है। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में खलल डालने की आतंकवादियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। शोपिया के द्राव गिगम इलाके में छिपे जैश मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह बता दे, द्रास शोपिया में गत मंगलवार शाम को शुरू हुई मुठभेड़ देर रात तक समाप्त हुई थी कि शोपिया के मोलू इलाकों में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। यहां भी 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। पुलिस का यह कहना है कि मुठभेड़ के प्रारंभ होते ही आतंकी मारा गया। फिलहाल यहां अभियान जारी है। पुलिस ने बताया कि शोपिया के द्राज कीगम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ मंगलवार शाम को शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना के बाद यहां सर्च अभियान शुरू किया, जो बाद में मुठभेड़ में बदल गया। रात के अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी फरार न हो जाए, इसलिए सुरक्षा बलों ने सबसे पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की और विशेष लाइटों का प्रबंध किया। ये बताया जा रहा है कि रात भर रुक रुक कर गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा। सुबह तड़के आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, परंतु जब वे नहीं माने तो एक के बाद एक 3 आतंकवादियों को मार गिरा दिया गया। ADGP कश्मीर विजय कुमार ने 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये 3 जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंधित थे। खबर है महाराष्ट्र की मुंबई से। जी हां, जहां दशहरा की सुबह मुंबई के बांद्रा वर्ली लिंक पर 4 कार और एम्बुलेंस की एक साथ भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इस घटना में 12 लोग मामूली रूप से जख्मी भी हुए हैं। सभी घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह बता दें कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक गाड़ी पहले से ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले कि वहां एम्बुलेंस पहुंचकर घायलों को लेकर रवाना होती, 3 और गाड़ियां एम्बुलेंस और पहले से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से सीधे आकर टकरा गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे डाली, जिसके बाद वहां फौरन राहत बचाव की टीम पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मुंबई पुलिस घटना की जांच कर रही है। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से गमगीन खबर आई है, जहां दशहरा पर्व की सुबह आगरा जिले में शाहगंज के खेरिया मोड़ स्थित और मधुराज हॉस्पिटल में बुधवार तड़के आग लग गई। इस अग्निकांड में डॉक्टर, उनके पुत्र व पुत्री की मौत हो गई, जबकि 2 हालत गंभीर है, उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शाहगंज क्षेत्र में जगने रोड स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में सुबह अचानक आग लग गई। हॉस्पिटल में भर्ती 3 मरीज, उनके तीमारदार और स्टाफ अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, तब धुआं शांत हुआ और हॉस्पिटल भर भर गया। करीब 1 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने 3 मरीजों समेत 4 लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकाला, उन्हें निकट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगनेर रोड पर स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजन और भवन स्वामी गोपीचंद हैं, जिसमें भूमिगत तल में जनरल वार्ड, भूतल पर जनरल और प्राइवेट वार्ड है, जबकि दूसरी मंजिल पर गोपीचंद और डॉक्टर राजन का परिवार रहता है। सूचना पर दमकल और शाहगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने किसी तरह 1 घंटे बाद 4 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल संचालक परिवार सहित दूसरी मंजिल पर फंस गए। आग की चपेट में आने से अस्पताल संचालक डॉक्टर राजन सिंह, उनके पुत्र ऋषि और पुत्री शालू की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल मरीजों को बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल का स्टाफ गायब हो गया था। आग लगने की वजह का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। अब खबर है विदेश से जुड़ी हुई। तो जी हां, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। UAE के मंत्री हिज शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने दुबई के शानदार और नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।
दुबई के जेबेल अली क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर होने का एक दशक पुराना भारतीय सपना पूरा हो पाया है। इसका उद्घाटन दशहरा उत्सव से एक दिन पहले किया गया। यह बता दें कि यह मंदिर सिंधी गुरु दरबार मंदिर का विस्तार है, जो संयुक्त अरब अमीरात के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की नींव फरवरी 2020 में रखी गई थी। आज बुधवार से आधिकारिक तौर पर जनता के लिए ये खुला रहेगा। यह 16 देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए उपासकों और अन्य आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। यह हजारों आगंतुकों को सफेद संगमरमर से बने मंदिर के अंदरूनी हिस्से की एक झलक पाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलंकृत स्तंभ अग्रभाग पर अरबी और हिंदू ज्यामितीय डिजाइन और छत पर घंटियां बांधी गई है। वहीं मंदिर प्रबंधन ने वेबसाइट के माध्यम से QR कोड आधारित अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रणाली सेवा शुरू कर दी है। मंदिर में पहले दिन से ही कई आगंतुक आए हैं। खासकर सप्ताह के अंत में आगंतुकों की खासा भीड़ रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ प्रबंधन और शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए QR कोड के माध्यम से प्रतिबंधित प्रवेश को विनियमित किया गया है। अधिकांश देवताओं को मुख्य प्रार्थना कक्ष में स्थापित किया गया है। इसमें एक बड़ा 3D मुद्रित गुलाबी कमल है, जो केंद्रीय गुंबद पर स्थित है। मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दुबई का नया हिंदू मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। वायरल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल न्यूज।